बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मसाला भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए जैसे बनाना स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके लिए मैंने कुछ कच्चे सींग के दाने ले लिए थे, हाफ कटोरी के करीब, और 2 टेबल स्पून के करीब बेसन ले लिया था। अब ये दोनों चीज़ों की मैं फ्राई पैन में भुनाई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और मीडियम आँच पर मैंने इसकी भुनाई कर ली थी। और 250 ग्राम के करीब मैंने भिंडी ली थी, और भिंडी को बारीक वाला मैंने राउंड शेप में काट लिया था। आप चाहो वो स्टाइल से भिंडी काट सकते हो। अच्छा जी, ये अच्छी तरीके से भुन गया था ना, तो मैंने इसे ठंडा करके ग्राइंडर जार में पीस लिया था। और मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, और कढ़ाई में मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और उसमें मैं भिंडी डाल दूँगी ताकि भिंडी अच्छे से सिक जाए और हल्की हल्की गोल्डन हो जाएगी ना, वहाँ तक मैं इसको इस पर फ्राई कर लूँगी ताकि उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जैसे ही भिंडी सिक गई थी ना, उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया था और इसको छान के निकाला था ताकि इसका ऑयल कढ़ाई में ही रह जाए और उसी ऑयल में हम मसालों की भुनाई करेंगे। और मैंने पहले भी आपको भिंडी की रेसिपी दी है, माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत पसंद की थी भिंडी की रेसिपी मेरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और माशाल्लाह से यही रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा जी, और सारी भिंडी मैंने निकाल ली थी, और उसके बाद मैंने वही ऑयल में डाल दिया था 1/2 टीस्पून के करीब साबुत जीरा। और ज़ीरा डालने के बाद मैंने एक प्याज को चॉप कर लिया था, और वो चॉप की हुई प्याज भी मैं इसमें डाल दूँगी। और जैसे ही प्याज अच्छे से हल्की हल्की वाली गोल्डन हो जाएगी ना, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें कुछ पाउडर मसाले भी ऐड कर दूंगी। लाल मिर्च पाउडर डालूंगी 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर डालूंगी 1 टेबल स्पून, और हल्दी डालूंगी 1/2 टेबल स्पून, और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालूंगी, और थोड़ा से पानी डाल के मैं इसकी भुनाई करूँगी। और आप चाहो तो 1/2 टमाटर को चॉप करके डाल सकते हो। मैंने 1/2 टमाटर की क्यूब ले ली थी जो मैंने स्टोर की थी ना, तो वो क्यूब मैंने इसमें ऐड कर दी है, और वो भी मसाले के साथ अच्छे से भुन जाएगी। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी, जैसे ये भुनने लगेगा ना, तो उसके बाद मैं इसमें कच्ची सींग और बेसन का जो मैंने पाउडर बना के रखा था ना, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और थोड़ा थोड़ा से पानी डाल के मैं सारी चीज़ों की भुनाई कर लूँगी ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए और उनका ऑयल बाहर आ जाए। और आप देख सकते हो मसाला अच्छी तरीके से भुन गया था। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी भिंडी, सारी भिंडी को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब 5 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरीके से पका लूंगी। आप देख सकते हो कितनी अच्छी मसालेदार भिंडी लग रही है, इसका कलर भी कितना बेहतर आया है। आप देख सकते हो दानेदार भिंडी बनी हुई है। अब मैं इसे डिसआउट कर दूंगी। इसे बनाना बड़ा आसान है और बहुत झटपट से बन जाती है, टिफ़िन बॉक्स के लिए तो बहुत आसान रेसिपी है ये। अच्छा जी, आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर दीजिए, आगे शेयर भी कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना जी, दुआओं में याद रखना। फिर मिलूंगी जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए चलती हूँ जी, अल्लाह हाफिज़।